नमस्कार दोस्तों, BSA ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के आप लोग के इस RRB NTPC और ग्रुप डी की क्लास में आज आप लोग का लाइव मॉक टेस्ट है और आज आप लोग के साथ GK और GS के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, जिसका है पार्ट नंबर 63 है। और इससे पहले टोटल अब तक मैंने यहाँ पर 62 वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखी हैं, जिसमें मैंने आप लोग के साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कराई हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग के इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। तो फिलहाल आज ये देखते हैं कि आप लोगों ने आखिर कितना पढ़ लिया है, तो इस टेस्ट के माध्यम से आप लोग जान सकेंगे कि आखिर आप लोगों ने कितना तैयारी कर ली है अब तक। तो जैसा कि आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, एक पुस्तक है ये आपकी क्राई द पीकॉक, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये पुस्तक आपको बताना किसने लिखी है, सही जवाब क्या होगा, इसका जवाब आप लोग को देना है। तो करेक्ट आंसर है फिलहाल यहाँ से आप लोग का डी वाला, अरुण गांधी। ओके, तो जिसका भी आंसर डी आया बिल्कुल सही है, बाकी सब लोग ट्राई कीजिएगा सेकंड क्वेश्चन में। अब जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर यह बताना है कि हॉकी मैच का एक हाफ कितने मिनट का होता है, द ड्यूरेशन ऑफ अ नॉर्मल वन हाफ ऑफ अ हॉकी मैच इज, तो करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। सही जवाब आएगा आप लोग का 35 मिनट, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से आपका। तो जिसका भी आंसर फिलहाल यहाँ पर 35 मिनट आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, कोई डाउट तो नहीं है। तो सही जवाब फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर खेले जाने वाले हॉकी मैच में 35-35 मिनट के दो हाफ होते हैं और इंटरवल की समय अवधि भी इसमें 10 मिनट निर्धारित की गई है और एक टीम में अधिकतम खिलाड़ियों की संख्या 18 होती है, जिसमें से 11 खिलाड़ी फील्ड में होते हैं और 7 खिलाड़ी जो है ये स्थानापन्न खिलाड़ी यानी कि सब्स्टिट्यूट के रूप में फील्ड से बाहर होते हैं। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक तरीके से सड़नशील नहीं है, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, बताइए आंसर क्या आएगा आपका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। और हाँ दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप लोग को पसंद आए तो सपोर्ट कीजिए, सभी लोग जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं कम से कम दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिए सभी लोग, ठीक है, जिससे मैं मोटिवेट होकर ऐसे ही आप लोग को और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराता रहूँ, जो भी आप लोग के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं वो सारे आप लोगों तक पहुँच सकें। तो बस वीडियो आप लोग शेयर करते रहिए। तो देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन का फिलहाल करेक्ट आंसर है यहाँ से आप लोग का सेकंड वाला, नायलॉन, ठीक है। तो नायलॉन जो है फिलहाल ये प्राकृतिक तरीके से सड़नशील नहीं है। ओके, और चलिए फिलहाल अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन ये आपके सामने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि अकबर ने जो है इनमें से किसका निर्माण नहीं किया था, पुराना किला, आगरा किला, इलाहाबाद किला या फिर लाहौर किला। तो जिसका भी फिलहाल यहाँ पर आंसर आ रहा है सेवन्थ क्वेश्चन का, फर्स्ट, पुराना किला। तो दिल्ली का जो पुराना किला है, तो दिल्ली में निर्मित किसी भी ज्ञात संरचना पर सबसे पुराना किला है और इस किले का जो पुनर्निर्माण है ये अफगान शासक शेरशाह सूरी ने करवाया था, ठीक है। पुनर्निर्माण जो है ये शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था, ये ज्ञात जो है सबसे पुराना किला है। इसके बाद देखते हैं फिलहाल आपका अगला क्वेश्चन यह रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से डैम जो कि सबसे हाईएस्ट है इंडिया का, ये आपको बताना है, विच डैम ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट, सरदार सरोवर, हीराकुंड, टिहरी या फिर भाखड़ा, फॉर ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं यहाँ से, बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों को लंबा और ऊँचा में। तो जैसा कि दोस्तों आपको बता दें टिहरी बांध की ऊंचाई जो है ये आपकी 855 फुट है यानी कि दोस्तों यहाँ से 260.5 मीटर, तो इसकी जो ऊंचाई है ये फिलहाल 855 फुट है, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है जबकि विश्व के लंबे बांधों में से एक भी है और इसे जो है बहुउद्देशीय बांध का जो है तटबंध चट्टानों और पत्थरों से भी इसे बनाया गया है। ओके, और कई बार क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया कि यह जो बांध है ये किस नदी पर बनाया गया, तो फिलहाल यह जो बांध है ये भागीरथी नदी पर टिहरी के पास उत्तराखंड में स्थित है। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, जैसा कि दोस्तों अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है सचिन बॉर्न टू वेड द जर्नी ऑफ क्रिकेट्स अल्टीमेट सेंचुरियन के लेखक कौन है। दोस्तों एक बुक है आप लोग की सचिन बॉर्न टू वेड द जर्नी ऑफ क्रिकेट्स अल्टीमेट सेंचुरियन, तो दोस्तों फिलहाल इसके लेखक कौन है इसका जवाब आप लोग को बताना है। सही जवाब है आप लोग का खालिद अंसारी, तो जिस किसी का भी आंसर फिलहाल यहाँ पर ए आ रहा है खालिद अंसारी बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर होगा आप लोग का यहाँ से खालिद अंसारी। ओके, अब देखते हैं फिलहाल आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, सही जवाब होगा आपका फर्स्ट।
इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। सूर्य के विकरण के परावैगनी प्रकाश को किसकी परत के द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोका जाता है? फॉर ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए फिलहाल आप लोग बताइए यहाँ से करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ओजोन या फिर हीलियम? तो चलिए फिलहाल आपको बताते हैं यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सही जवाब फिलहाल आप लोग का ओजोन यानी कि O3, ये जो है अल्ट्रावायलेट जो है रेज को रोकती है पृथ्वी तक आने से, वायुमंडल प्रवेश करने से रोकती है परावैगनी प्रकाश को। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। जैसे कि मान लीजिए निम्न में से किस देश में, आपको यहाँ पर ये बताना है कि किस देश में जो है वयोवृद्ध लोग जो है सबसे अधिक अनुपात में पाए जाते हैं? नॉर्वे, जापान, बेल्जियम या फिर स्वीडन? तो करेक्ट आंसर है फिलहाल आपका जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपका ईयर आपके सामने। भारत में विकसित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो अब आप सभी को बताना है कि भारत में विकसित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट। चलिए अब आप लोग बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ईयर आपके सामने। लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं? इंडिया डिवाइडेड, हिंद स्वराज, अनहैप्पी इंडिया और मदर इंडिया? तो चलिए फिर आपको बताते हैं, सही जवाब होगा आपका यहाँ से 19 क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अनहैप्पी इंडिया। अब चलते हैं फिलहाल आपके अगले प्रश्न पर, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। देखिए जो पुस्तक थी ये जो है फिलहाल अनहैप्पी इंडिया, ये लाला लाजपत राय के द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसे फिलहाल 1928 में प्रकाशित किया गया था। उनकी कुछ अन्य कृतियों में जैसे कि द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, आर्य समाज और द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द हिंदूज इंप्रेशन इत्यादि प्रमुख पुस्तकें हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार ये भी पूछी गई है आपकी परीक्षाओं में। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन जो है आमतौर से प्रस्तुति या फिर स्लाइड शो तैयार करने के लिए उपयोग की जाती है? देखिए स्लाइड शो इसके लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है और किस एप्लीकेशन यूज़ किया जाता है? फोटोशॉप, पावर पॉइंट, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर आउटलुक एक्सप्रेस? तो आप सभी लोग जानते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप लोगों ने भी जो है यूज़ किया होगा प्रेजेंटेशन के लिए अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स में। यह है आपका पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसका यूज़ जो है फिलहाल यहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए या फिर स्लाइड शो के लिए किया जाता है। ओके अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में जो है नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई? वो कौन सी लड़ाई है जिसमें नेपोलियन फ्रांस की जो है अंतिम हार हुई? तो यहाँ से फिलहाल 27 का करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट वाला, ट्राफलगर की लड़ाई। ठीक है तो दोस्तों यहाँ से आपका आंसर आएगा ट्राफलगर की लड़ाई। ये फिलहाल इस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। अब जैसे बताना कि जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह से तैयार वृक्षीय फॉसिल ये कहाँ पाया गया? पिथौरागढ़, छत्तीसगढ़, रामगढ़ या फिर बहादुरगढ़? तो चलिए फिलहाल आपको बताते हैं यहाँ से करेक्ट आंसर है आप लोग का यहाँ से ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। ओके अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन, लॉर्ड कर्जन कमीशन, डिमिट्रोव थीसिस या फिर लॉर्ड क्लाइव्स रिपोर्ट? करेक्ट आंसर है आप लोगों का यहाँ से भारत अधिनियम 1935 ने प्रांतीय विषय पर मूलतः साइमन आयोग की अनुशंसा का पालन किया। साइमन कमीशन ने इधर जो है प्रांतों में लगभग पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार का प्रस्ताव किया था और 1935 में अधिनियम यह प्रांतीय द्विशासन को भी इसमें समाप्त कर दिया गया। तो इसलिए यहां से आपका सही जवाब होगा साइमन कमीशन। ओके इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। अब आपको बताना है कि वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी आप सभी को यहाँ पर यह बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फिलहाल 36 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ से आपका फोर्थ, चंपा गर्मन पिल्लई जी ने। ठीक है ध्यान रखिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1914 में बर्लिन में राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की स्थापना की और इस पार्टी के सदस्य थे ये थे लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, मोहम्मद वरकतुल्ला और कौन कौन थे इसमें आप लोग के, एक थे राजा महेंद्र प्रताप और थे एक वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। इसके बाद देखते हैं फिलहाल आपका अगला क्वेश्चन, लीवर जो है ये किससे भरपूर होता है?
तो लीवर की बात करें, फिलहाल ये किससे भरपूर होता है, ये होता है प्रोटीन से। ओके, करेक्ट आंसर आएगा फिलहाल आपका फोर्थ, प्रोटीन। और अब देखते हैं आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख सकते हैं आपको यहाँ पर क्या दिया गया है। प्रथम विश्व युद्ध में जापान जो था ये किसकी ओर से लड़ा था? देखिए, जो आप लोग का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसमें जापान जो था फिलहाल किसकी ओर से लड़ा था, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो सही जवाब फिलहाल आपका जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ, तो फोर्थ आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद देखते हैं 46 क्वेश्चन, राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया? तो फिलहाल दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर होगा बराक ओबामा। सही जवाब है फिलहाल यहाँ से आपका बराक ओबामा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर, जो कि आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि दोस्तों नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद यहाँ पर किस पशु को जो है उच्च रक्तचाप नहीं होता? जैसे कि आप लोग ये तो जानते हैं कि अगर नमक का अधिक सेवन किया जाएगा तो ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाता है, बट ऐसा कौन सा पशु है जिसका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता? भेड़, भैंस, बाघ या फिर ऊँट? तो देखिए यहाँ से सही जवाब होगा आप लोग का यहाँ से ऊँट, यानी कि कैमल, ठीक है। तो ऊँट की बात करें दोस्तों, यहाँ पर ऊँट जो है रोजाना लगभग 8 गुना अधिक नमक का उपभोग करता है, इसके बावजूद ऊँट में जो है उच्च रक्तचाप की शिकायत नहीं होती। इसी प्रकार अन्य पशुओं की तुलना में ऊँट में रक्त शर्करा का स्तर भी काफ़ी अधिक पाया जाता है, और इसके बावजूद उसे उनमें जो है मधुमेह की बीमारी भी नहीं होती है। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा कैमल। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, जैसा कि दोस्तों अब आपको यहाँ पर यह बताना कि मजदूरों की वह संख्या, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और जब मैंने अलग से क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे सीरीज के, तो मैंने इकोनॉमिक्स की एक पर्टिकुलर क्लास प्रोवाइड कराई थी जिसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर के सेलेक्टेड क्वेश्चन ही थे, आप लोगों को पसंद भी आई थी। फिलहाल जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आपकी स्क्रीन पर ऊपर एक राइट साइड में यहाँ पर एक आई आइकन का बटन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप लोग जितने मैंने अब तक रेलवे से रिलेटेड जो भी वीडियोस अपलोड की हैं उनको देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। एग्जाम देने से पहले सारी वीडियोस एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए 50 क्वेश्चन का यहाँ से करेक्ट आंसर क्या है कि मजदूरों की वह संख्या जो विभिन्न वेतन दरों पर रोजगार के लिए स्वयं उपलब्ध होगी उसे क्या बोलते हैं? तो बोला जाता है इसको फिलहाल श्रम पूर्ति। ओके, तो दोस्तों फिलहाल सही जवाब है आप लोग का श्रम पूर्ति। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताना है कि किस विषय में यूनाइटेड स्टेट्स को सबसे अधिक संख्या में नोबेल पुरस्कार मिले? तो सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार मिले यहाँ पर रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। जो रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड के मुताबिक रसायन शास्त्र में जो है अब तक अधिक संख्या में नोबेल पुरस्कार मिले हैं यहाँ पर US को, यानी कि करेक्ट आंसर आएगा यहाँ से आपका ऑप्शन सी। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ये बताना कि 28 सितंबर जो है किस रूप में मनाया जाता है? ये 28 सितंबर दिवस है, तो इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही जवाब होगा आप लोग का वर्ल्ड रेबीज डे, करेक्ट आंसर आपका यहाँ से सी, विश्व रेबीज दिवस। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कप जो है ट्रॉफी या फुटबॉल से संबंधित है? देखिए मैंने स्पोर्ट्स की भी आपको पर्टिकुलर वीडियो प्रोवाइड कराई है जो कि आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो उसमें मैंने ये बताया भी है कि जितने भी फिलहाल फुटबॉल से संबंधित प्रश्न आए थे ट्रॉफी से रिलेटेड वो मैंने कवर किए आपके। तो फिलहाल यहाँ से सही जवाब होगा आप लोग का फोर्थ वाला आएगा संतोष ट्रॉफी। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर मिलती है संतोष ट्रॉफी, BCRI ट्रॉफी, डूरंट ट्रॉफी, डूरंट कप, DCM ट्रॉफी, रोवर्स कप, ठीक है, और IFAC चकोला गोल्ड कप, निजाम गोल्ड कप इत्यादि। और इंटरनेशनल लेवल पर मिलता है फिलहाल यहाँ पर विश्व कप, जूल्स रिमेट ट्रॉफी और मलडेगा कप, कोलंबो कप, ये मिलते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर। तो इसके अकॉर्डिंग फिलहाल यहाँ तो आपका आंसर आएगा संतोष ट्रॉफी। किसकी इजाजत से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो बताइए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फिलहाल आपको बता दें सही जवाब है आप लोग का यहाँ से ऑप्शन टू, जहांगीर, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस जो था सूरत आया था, और उसके तत्पश्चात जो है वह मुगल बादशाह जहांगीर से मिलने आगरा पहुंचा। आगरा में कैप्टन हॉकिंस ने बादशाह जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा फिलहाल यहाँ से आपका ऑप्शन बी है, जहांगीर। और अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे अधिक जाना माना पक्षी अभयारण्य ये कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा फिलहाल यहाँ से आपका सही जवाब क्या है? सही जवाब है आप लोग का सुल्तानपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? अब आप सभी को बताना है कि नेवी डे जो है कब मनाया जाता है। 4 दिसंबर को जो है नौसेना दिवस मनाया जाता है, यानी कि अगर आंसर आपका ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अब बाकी लोग ट्राई कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में, ये सारे इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? अब की बार क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है, पहले पूछा गया था कि किससे संबंधित है ये ट्रॉफी, तो था फुटबॉल। अब की पूछ ले संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित, तो ये है राष्ट्रीय फुटबॉल से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ से आप लोग का थर्ड वाला। आप देखते हैं फिलहाल आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, भारत में स्थापित किए गए पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया, स्थापित किया गया, इसका नाम है फिलहाल जिम कॉर्बेट अभयारण्य। ठीक है, यह भारत का पहला अभयारण्य जो कि उत्तराखंड में है और ये फिलहाल जो है करीब 525 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। अब देखते हैं फिलहाल आपका अगला क्वेश्चन, फिलहाल यहाँ से आंसर आएगा आपका बी कॉर्बेट। चलिए बताइए दोस्तों, फतेहपुर सीकरी जो था एक समय मुगल साम्राज्य की राजधानी था, इस शहर का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? अब आप सभी को यहाँ पर यह बताना कि फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था। सही जवाब है फिलहाल आप लोगों का यहाँ से फर्स्ट अकबर के द्वारा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर यह बताना कौन सा राज्य जो है नंदी पुरस्कार देता है। ठीक है, विच स्टेट गिव्स नंदी अवार्ड? करेक्ट आंसर है आप लोग का ऑप्शन 4, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अब आपको बताना है कि पुस्तक द राइट्स ऑफ मैन, पुस्तक है जिसका नाम है द राइट्स ऑफ मैन, इसके लेखक फिलहाल कौन है? तो सही जवाब है फिलहाल आप लोग के थॉमस पैन। करेक्ट आंसर होगा आप लोग का थॉमस पैन। ठीक है, यानी कि आपका आंसर होगा यहाँ से 22 का 4th। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। और इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इनमें से किस शब्द का प्रयोग जो है क्रिकेट के खेल में होता है। अब आपको यहाँ पर यह बताना है कि इनमें से किस शब्द का प्रयोग जो है क्रिकेट खेल में होता है। सही जवाब है आप लोग का लैग बिफोर विकेट, यानी कि LVW का। ओके, और अब देखते हैं फिर आपका अगला क्वेश्चन, शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2012 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो फिलहाल ये जो पुरस्कार दिया गया था ये दिया गया था फिलहाल यहाँ पर एलन जॉनसन सरलीफ को। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा आपका एलन जॉनसन सरलीफ, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर ये बताना है कि द्विबीज पत्रियों में पराक्रम होते हैं कितने कण होते हैं? 2 जनन क्षेत्र होते हैं, 3, 4 या फिर 1? तो फिलहाल आपको बताते हैं 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बीज के अंदर 1 या फिर 2 दल होते हैं, इस आधार पर इन्हें एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री वर्गों में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है फिलहाल आपके द्विबीज पत्री की, तो ये संयुक्त पौधे होते हैं या आप लोग के सपुष्पक पौधे होते हैं जिनमें बीज में 2 बीज पत्र होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल चना मटर सेम, ये प्रमुख द्विबीज पत्री पौधे हैं। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा आप लोग का, ऑप्शन दिया गया यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा फिलहाल यहाँ पर 3 जर्म स्पोर्स, यानी कि 3 जनन क्षेत्र होते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तब आप लोग सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन, आपको यहाँ पर ये बताना है कि बहिर्मुखता सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का मूल सिद्धांत है। तो सही जवाब फिलहाल आपको बता दें, करेक्ट आंसर होगा इसका आप लोग का, यहाँ पर आपको दिया गया है एनवायरोनॉमिक्स, तो बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से आप लोग का एनवायरोनॉमिक्स। ओके, और इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फिलहाल देखते हैं अब कौन बता पाता है इसका आंसर। जैसे बात करते हैं US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसमें जो है सीनेटर के रूप में जो है प्रवेश करने वाला पहला हिंदू अमेरिकन कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का यहाँ से तुलसी गब्बार्ड, करेक्ट आंसर आप लोग का क्या ये है तुलसी गब्बार्ड। अब देखते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन 42, वन एक्स्ट्रा रेवोल्यूशन, ये जो है किसके द्वारा लिखा गया था? ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने आज आप लोग को मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। बस ये देखना है कि आज आप लोग टोटल 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं, तो कमेंट करके दोस्तों आप लोग जरूर बताइए कि टोटल आज आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो फिलहाल सही जवाब होगा 42 का यहाँ से आपका 4th वाला, मैस्नोवु फुकुओका। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा यहाँ से आप लोग का मैस्नोवु फुकुओका। अब देखते हैं फिलहाल आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, वाइस सोशलिज्म, वाइस सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ से फिलहाल आपको बता दें सही जवाब होगा आप लोग का यहाँ से 4th वाला, जयप्रकाश नारायण।
चलिए फिर आप बताइएगा दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन्स कौन सा है? दोस्तों मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन कौन सा है? कार्टिसोन या फिर आप लोग का होगा यहाँ से प्रोज एस्ट्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन या फिर एल्ड्रेस्ट्रोन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और सही जवाब होगा फिलहाल 46 का यहाँ से प्रोज एस्ट्रोजन। करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग का? प्रोज एस्ट्रोजन, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फिलहाल आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा आप सभी के सामने, कपड़ों पर जंग के दाग जो है किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो फिलहाल दोस्तों आम तौर पर जो है जंग लगे कपड़ों को यहाँ पर दाग हटाने के लिए अम्लीय घोल काफ़ी सहायक होते हैं, तो इसके रूप में जो ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ किया जाता है, तो इसलिए यहाँ से आपका आंसर आएगा ऑक्जेलिक एसिड। अब देखिए फिलहाल आपका अगला क्वेश्चन, अब आपको बताने कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है अमेजिंग इंडिया आइडियाज़ फॉर द न्यू सेंचुरी के लेखक कौन है? चलिए फिलहाल दोस्तों बताइए यहाँ से करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देखते हैं सबसे पहले कौन इसका जवाब देता है। तो सही जवाब होगा फिलहाल दोस्तों आपका इसका अरविंद अडेगा। करेक्ट आंसर तो क्या है तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें, तो फिलहाल जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग के आंसर अरविंद अडेगा आ रहे हैं, ठीक है, और मैंने बताया सही आंसर है, बट आपको बता दें करेक्ट अब क्या होगा। तो आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पुस्तक पूछी जा रही है आप लोगों से, पूरा नाम सुनिए, अमेजिंग इंडिया आइडियाज फॉर द न्यू सेंचुरी। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो आप लोग के हैं इन्फोसिस के सह संस्थापक जिनका नाम है नंदन नीलेकणी द्वारा लिखी गई है। तो सही जवाब फिलहाल आपका होगा थर्ड वाला। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा आपका थर्ड वाला। तो जिसका भी आंसर फिलहाल सी आया बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, इनमें से कौन सा नेता कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? तो सिक्स्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश जो है फ्रोजन मीथेन हाइड्रेट से सफलतापूर्वक प्राकृतिक गैस निकालने वाला पहला देश बना है? तो एट्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फिलहाल आपका फोर्थ वाला जापान। चलिए फिलहाल अब आप लोग बताइएगा अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? अब सबसे पुराना संगठन कौन सा है ये मैंने पहले ही आपको बताया था, इन सब के सन भी आपको बताई थी, तो इसके अकॉर्डिंग आपको बता दें करेक्ट आंसर होगा आप लोग का यहाँ से ऑप्शन सी है ILO। ठीक है, ILO का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1919 में की गई थी, यही आपका सबसे पुराना संगठन है। इसके बाद चलते हैं फिलहाल आपके अगले प्रश्न पर, ये आपके सामने, 1 जनवरी को दोस्तों जो है हम लोग किस रूप में मनाते हैं? तो सही जवाब होगा फिलहाल आपका ग्लोबल फैमिली डे यानी कि विश्व परिवार दिवस। ओके, इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, अमृता प्रीतम जो है इसकी कृति जो है, अमृता प्रीतम की जो कृति है रशीदी टिकट, तो फिलहाल ये एक है क्या? तो आपको यहाँ पर ये बताना है आर रेवेन्यू स्टैम्प ये क्या है, कहानियों की एक पुस्तक है, एक नॉवेल है, बायोग्राफी या फिर आत्मकथा है? तो ये फिलहाल जो है एक आत्मकथा यानी कि एक ऑटोबायोग्राफी है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विश्व विशालकाय ऑलिव रेंडी कछुआ के निवास स्थल के लिए प्रसिद्ध हो गया है? तो सही जवाब होगा फिलहाल 16 का यहाँ से ओडिशा। अब देखते हैं फिलहाल आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया, विश्व पर्यटन दिवस जो है आज का अंतिम प्रश्न टेस्ट का, विश्व पर्यटन दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो फिलहाल कब मनाया जाता है आपको बता दें, सही जवाब होगा आपका इसका, तो जिसका भी आ रहा है फिलहाल 27 सितंबर, बिल्कुल सही है। तो WTD यानी कि विश्व पर्यटन दिवस, ये जो है फिलहाल प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। और बात करें यूनाइटेड नेशन की यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने 1970 में इस दिन को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। ओके, तो फिलहाल दोस्तों आज ही इस टेस्ट सीरीज़ में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर दोस्तों आज के आप लोग के इस क्लास में 40 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आप लोग अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देते रहना है, और अगले नेक्स्ट टाइम जब आप लोग की क्लास होगी, टेस्ट होगा, तो उसमें आप लोग और भी अच्छी परफॉर्मेंस दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और हाँ दोस्तों, सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा, अगर क्लास आपको पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, लाइक कीजिएगा। ओके, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।